हेलो एंड वेलकम सिंगजी टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज सॉफ्ट स्किल के वीक 3 का असाइनमेंट जो 3 है इसका जो राइट आंसर है उसको हम बताएंगे। सो आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचते रहेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सॉफ्ट स्किल के वीक 3 का असाइनमेंट 3 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जापान चाइना एंड अरब्स बिलोंग टू लो कल्चर कॉन्टेक्स्ट, जो तो इसका राइट आंसर होगा फॉल्स। और फिर 2 नंबर क्वेश्चन है इन ए कम्युनिकेशन प्रोसेस मेंटेनिंग ए स्पेस में रिफ्लेक्ट सम हायरार्की इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका राइट आंसर ट्रू होगा। फिर 3 नंबर क्वेश्चन है प्रोक्सीमैक्सिस इज द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल स्पेस क्रिएटेड इन माइंड बाय द पीपल इन्वॉल्व्ड इन कम्युनिकेशन, तो 3 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर होगा वो ट्रू होगा। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है अंडर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सेंसेशन ऑफ टच कैन बी यूज इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, तो इसका भी आंसर 4 का भी ट्रू होगा। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है इन डिफरेंट सेटिंग डिफरेंट हैप्टिक बिहेवियर्स मे क्रिएट डिफरेंट मीनिंग, तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर होगा ट्रू। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है व्हेन अ जैपनीज वोमेन स्माइल सी पुट्स हर हैंड्स ऑन पाम्स ऑन द माउथ बिकॉज इट इज़ कंसाइडर्ड इन अप्रोप्रिएट टू स्माइल इन पब्लिक, तो ये बात सही है इसलिए ये भी आंसर इसका भी आंसर ट्रू होगा 6 का भी। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है इट इज़ रीड फॉर ए स्ट्रेंजर और एक्विटेंस टू ए टच ए चाइल्ड ऑन द टॉप ऑफ द हेड अबाउट हिज कंट्री हैज़ इट बीन सैड, तो ये थाईलैंड में ऐसा होता है कि किसी बच्चे के उसके टॉप पे नहीं छूने चाहिए, तो इसमें थाईलैंड में है तो इसका 7 का बी नंबर वाला ऑप्शन थाईलैंड सही होगा। फिर 8 नंबर है मेटा कम्युनिकेशन इज ए डैश मीनिंग बाय चॉइस ऑफ वर्ड्स टोन ऑफ वॉइस फम्बलिंग साइलेंस और अमिशन, तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा इम्प्लाइड। 8 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा इम्प्लाइड। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है इन रिटन कम्युनिकेशन साइलेंस में बी शोन थ्रू पंक्चुएशन, इसका राइट आंसर होगा 9 का पंक्चुएशन। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है लाइंग इज डन विथ वर्ड्स एंड ऑल्सो विथ साइलेंस हुज स्टेटमेंट इज दिस, तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा एड्रिने रिच। 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एड्रिने रिच। टू लिसन प्रॉपरली द फैक्टर ऑफ डैश शुड बी अवॉइडेड, तो 11 नंबर क्वेश्चन का होगा कॉग्निटिव डिसोनेंस। 11 नंबर क्वेश्चन नॉन वर्बल बिहेवियर डैश वर्बल बिहेवियर इन ए कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो 12 का राइट आंसर होगा सप्लीमेंट्स। 12 का राइट आंसर क्या होगा सप्लीमेंट्स। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है अंडर प्रोक्सेमिक्स स्पेस जोन्स हैव बीन डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस व्हाट शुड बी द डिस्टेंस इन सोशल कम्युनिकेशन, इसका सोशल कम्युनिकेशन में जो दूरी होना चाहिए 4 से 12 फीट के अंदर होना चाहिए। तो फिर 14 नंबर क्वेश्चन है हैप्टिक्स इज ए काइंड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन व्हाट डज इट स्टडी, तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा टच। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ साइलेंस, तो 15 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा इट हेल्प्स इन मेकिंग ए स्पीच कॉम्प्लिकेटेड। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ट्रू, तो ऑल हियरिंग इज नॉट लिसनिंग 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। और 16 नंबर क्वेश्चन के बाद 17 नंबर क्वेश्चन है लिसनिंग इज एन आर्ट दैट नीड्स टू बी लर्न थ्रू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज आर नेसेसरी टू लर्न द आर्ट ऑफ लिसनिंग, तो इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। तो 17 नंबर क्वेश्चन तक करा दी, इसके आगे भी कराए हैं लेकिन 18, 19 और 20 तीनों क्वेश्चन को देखने के लिए आप लोग सबसे पहले गूगल में जाइए और गूगल में आपको लिखना है, एक सेकंड हम आपको बता देते हैं, हमारे वेबसाइट है, हमारे वेबसाइट से आप लोग जाके यहाँ पर न्यू टैब पहले ओपन कर लीजिए, आपको गूगल में लिखना है UNIQUE और फिर लिखना है स्पेस देके JANKARI यूनिक जानकारी लिख के आप लोगों को गूगल में सर्च कर देना है। गूगल में सर्च करने के बाद आपको खुलेगा फर्स्ट वाला ऑप्शन खोल देना है जो यूनिक जानकारी का साइट आएगा unique.jankari.in इसको ओपन कर दीजिएगा। तो इसका जो बाकी क्वेश्चन है हम आपको आंसर यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए unique.jankari.in का साइट खुल जाएगा, तो आप लोग नीचे आइएगा तो देखिएगा इसमें NPTEL प्रोजेक्ट मैनेजमेंट NPTEL कंप्यूटर ग्राफिक्स हर चीज़ का आंसर इसमें चढ़ाया जाता है हम लोग के यहाँ। तो
देखिए इसमें नीचे आइएगा तो देखिएगा सॉफ्ट स्किल्स वीक थ्री असाइनमेंट आंसर, तो इस पर क्लिक करके और इसमें आपको सब का आंसर मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए, लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको आंसर सॉफ्ट स्किल वीक थ्री का जो नीचे का क्वेश्चन का आंसर बचा हुआ है वो आपको सब का नीचे मिल जाएगा। देखिए इन जापान चाइना एंड अरब्स बिलोंग टू लू कल्चर कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है और इसके आंसर नीचे दिए गए हैं, तो आप लोग ऐसे खोल के और आंसर इसके आगे पा सकते हैं। थैंक यू।